हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन। सो पिछली बार हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि सॉलिड हमारा दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड। लेकिन हमारे सिलेबस में केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का आज हम कुछ पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। तो क्रिस्टलाइन जनरली फोर कैटेगरी में डिवाइड होता है हमारा, फर्स्ट आयनिक सॉलिड, सेकेंड वन मेटेलिक सॉलिड, थर्ड वन कोवेलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। सो इन चारों में क्या डिफरेंस होते हैं, कुछ पॉइंट्स जो इनके अंदर कॉमन पॉइंट्स होते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले जो आपका यहाँ पे जो पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है, इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे आयनिक बॉन्ड, आयनिक सॉलिड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आयनिक सॉलिड के अंदर क्या होंगे, आयंस, आयंस यानी कैटायंस और एनायंस। कैटायंस एनायंस का मीनिंग क्या होगा, कैटायन का मीनिंग प्लस और एनायन का मीनिंग माइनस, ठीक है। और मेटेलिक सॉलिड के अंदर क्या होंगे, मेटल एटम। कोवेलेंट सॉलिड के अंदर क्या होंगे, नॉन मेटल एटम। मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स और एटम, ठीक है। तो मेटल एटम ये भी जैसे हमारे पास Fe, और नॉन मेटल एटम जैसे हमारे पास कार्बन और कार्बन, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी इनके बीच में जैसे ये हमारा मेटल है, तो इसके भी ये जो सेकेंड वन पॉइंट है हमारा, ये क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए आयनिक सॉलिड के अंदर क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको आप बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड, जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं। मेटेलिक सॉलिड के अंदर आपके सिंपल क्या होंगे, मेटेलिक बॉन्ड, और जबकि कोवेलेंट सॉलिड के अंदर आपके क्या होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर क्या होते हैं, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक नया वर्ड आया आपका, क्योंकि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड को भी जानते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड को भी जानते हैं, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी जानते हैं, ये जो मेटेलिक बॉन्ड है, इस मेटेलिक बॉन्ड को ज़रा समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास ये मेटल है, तो जब Fe कभी भी हमारा डिसोसिएट होगा, तो Fe टू 50 प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स में इस तरीके से चार्जेबल होगा। लेकिन अगर इनके हिसाब पर थ्री पॉजिटिव होगा, यानी Fe एरो थ्री पॉजिटिव प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन कर देगा, ठीक है। तो यानी अगर आपका Fe टू पॉजिटिव में करंट हो रहा है, तो सिंपल आपका बनेगा Fe टू पॉजिटिव प्लस, न्यूट्रलाइज करने के लिए आप इसको क्या करेंगे, टू इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे। लेकिन अगर इनके हिसाब से पास क्या है, Fe3 पॉजिटिव में करंट हो रहा है, तो वहाँ का सिंपल थ्री इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट इसके अंदर क्या है कि हमारे पास सपोज करो इस तरीके से ये सॉलिड कंटेनर है, और इसके अंदर हमारे चार्ज इस तरीके से अटैच, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि ये जो हमारा मेटेलिक सॉलिड है, ये कैसे एग्जिस्ट करता है, कैसे मतलब इसके अंदर फिक्स है। तो सबसे पहले जो आपका पॉइंट है माइंड में आ रहा होगा, कि हमारे पास जो पॉजिटिव स्पीसीज है, तो आपस में रिपेल्स होना चाहिए, रिपेल्स की वजह से ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे पास जो टू इलेक्ट्रॉन्स है, ये टू इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर फ्लो करते हैं, टू इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से फ्लो करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से जब वो बार बार आपके फ्लो होंगे, तो फ्लो होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके बीच में यहाँ पे पर्टिकुलर मेटल के बीच में बन जाता है। तो सिंपली जो आपका जो मेटेलिक सॉलिड है, यानी जो मेटल आपके यहाँ पे बॉन्ड बनते हैं, तो मेटेलिक बॉन्ड का मतलब क्या होगा, कार्नर जो कार्नेल होंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, आपका मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग, ठीक है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें, तो आयनिक सॉलिड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, वो सबको पता ही है कि हाई होता है। मेटेलिक सॉलिड का भी आपको याद रखना है, हाई होगा कोवेलेंट में, बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब ये आप इसलिए समझ लेना, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके बेस पे आपको ये क्वेश्चन
जो है समझ में नहीं आएगा, सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि एक्चुअल में जैसे हमारे पास डायमंड है, तो डायमंड का मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा माना जाता है हमारा डायमंड का, तो इनके बीच में क्या होता है हमारे पास जो कोल एंड बोन है, तो कोल एंड बोन जो करेक्टर फॉलो करते हैं और उनका जो आपका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट है वो एज कम्पेयर टू सॉलिड थोड़ा कम होना चाहिए। लेकिन सॉलिड की अगर बात करते हैं तो सॉलिड के अंदर आप कभी भी वो प्रॉपर्टी नहीं लगाओगे सिंपल आपको, क्योंकि इनके बीच में हमारा क्या होगा जो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, और उस स्टेबिलिटी की वजह से इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सेम मोलिकुलर सॉलिड के अंदर थोड़ा सा कम होगा, यानी इनके कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही कम होगा। और नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा, कंडक्टिव। जो आयनिक सॉलिड है वो मोल्डर स्टेट में कंडक्टेंस को शो करेंगे, और मेटेलिक सॉलिड में इसकी कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। पोलेंड में आपको पता है बहुत ही लो भी, और मॉलिक्यूलर में भी आपका लो होता है कंडक्टेंस। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनके जो एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल्स क्या होंगे। जैसे आयनिक सॉलिड का आपका NaCl, CaCl, ZnS, CF2, ये सारे हमारे क्या हैं आयनिक सॉलिड्स हैं। और मेनली जो हमारे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वो आपका क्या होगा, आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड के ही पर्टिकुलर हमें पढ़ना है। मेटेलिक सॉलिड के एग्जांपल जैसे मेटल है FeZnCl एक्सेट्रा, और कोवेलेंट सॉलिड हमारे कैसे होंगे, जैसे डायमंड, डायमंड का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में जो आपका बॉन्ड बनता है। ठीक है, सिलिकॉन यानी आप जैसे मिट्टी जानते हैं, तो ऐसा ही सिंगल बॉन्ड ऐसा ही एक्सेट्रा। और मोलिकुलर सॉलिड हमारे एग्जांपल है H2O, CO2, I2, P4, एसिड एक्सेट्रा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ही कुछ आपके टाइप ऑफ डिफरेंट सॉलिड्स हैं जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं। तो आप यहाँ तक के नोट्स बनाएँ एंड ऑल द बेस्ट।